दोस्तों, अभी तक आपने कई तरह के बाजारों के बारे में सुना होगा, जहां पशुओं से लेकर जरूरत के हर सामान की बिक्री होती है। मगर क्या आपने कभी दुल्हनों को बिकते देखा है या इससे संबंधित कोई खबर सुनी है? शायद नहीं। यह बात सुनकर चौंकिए मत, क्योंकि यह 100% सच है। दरअसल बुल्गारिया के एक बाजार में दुल्हनों के रूप में कई लड़कियां और महिलाएं बिकती हैं, जिन्हें लोग अपनी पसंद से खरीद सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुल्गारिया में एक ऐसी जगह है जहां के बाजार में भले ही आपको जरूरत की चीजें न मिले, लेकिन अगर आप अपने लिए एक खूबसूरत दुल्हन तलाश कर रहे हैं तो यहां आपको दुल्हन जरूर मिल जाएगी। बता दें कि बुल्गारिया के सटारा जगोरा नामक जगह पर यह अनोखा बाजार लगाया जाता है। इस बाजार में लड़कियां अच्छे से सज संवर कर अपने परिवार के साथ आती है और अपने दूल्हों का इंतजार करती है। क्यों लगता है यह बाजार? तो दोस्तों, आपको इस बारे में भी बता देते हैं। इस बाजार में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार अपनी लड़कियों की शादी कराने के लिए आते हैं और लड़के अपनी मन पसंद लड़की से शादी करके उनके परिवार वालों को पैसा देते हैं। इन सब के बाद लड़का पूरे मान सम्मान के साथ उस लड़की को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता है। साथ ही जब लड़का शादी कर लड़की को घर ले जाता है तो लड़के के परिवार वाले लड़की के परिवार वालों को एक मोटी रकम देते हैं। इस प्रथा के चलते लगता है ये बाजार। जी हाँ दोस्तों, इस प्रथा का पालन बुल्गारिया के आदिजी समुदाय द्वारा किया जाता है। यहाँ की पुलिस भी इसके आवेदन में रोक टोक नहीं करती। बता दें कि इस बाजार में कोई अन्य समुदाय का व्यक्ति शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि यह केवल इसी समुदाय के उन लोगों के लिए होता है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। परिवार की स्वीकृति के बिना लड़कियां भी इस मेले में अकेले नहीं आ सकती। वैध तरीके से लगता है दुल्हनों वाला बाजार। यह बाजार हर 3 साल में एक बार लगता है, वो भी बिल्कुल वैध तरीके से। इतना ही नहीं, हर उम्र की लड़कियों के साथ कई बुजुर्ग भी यहाँ अपनी मन पसंद पार्टनर की तलाश में आते हैं। दोस्तों, आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।